जाकर दीदी हमारा बदला पूरा हुआ है। दीदी दीदी कार्तिक कार्तिक ये सच हो गया। कल हमने अपनी आंखों से टीवी पर देखा था। लक्ष्य अब इस दुनिया में नहीं है कार्तिक। I'm so happy। पता है कार्तिक, जितनी बार मैं ये न्यूज सुन रही हूँ ना, उतना ही ज्यादा सुकून मेरे दिल को मिल रहा है। दीदी हम जीत गए। हाँ कार्तिक, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ दीदी, हम नए शहर में जाकर नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ कार्तिक, लेकिन इससे पहले मुझे एक और काम करना है। साथी रे अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, ये पांव भी अब आइए अंतिम संस्कार का समय हो रहा है। फिर वही कांस्टेबल, इनके हथकड़ी खोल दो ताकि अंतिम संस्कार कर पाए। और अश्क सारे धुल से जाएंगे, रोशनी दिन रात होगी और सब झरोखे खुल से जाएंगे। यार तू ही तो बंदगी है, यार तू ही दुआ, आइए इस दिवंगत आत्मा के आखिरी बार मुख दर्शन कर लीजिए। कहना था और क्या, क्या मुझे नींद क्यों आ गई फिर तुझे। आने में थोड़ी देर नहीं होगी।
ऐसे चौंक क्यों गई? मैं तो सिर्फ रसम निभा रही हूँ। आफ्टर ऑल लक्ष्य के मरने के बाद तो विधवा हो चुकी हो ना? क्या हुआ काव्या? अरे नहीं, तुम्हारा नाम तो तानिया मल्होत्रा है ना? तुम्हें क्या लगा तुम हमें बेवकूफ बनाती रहोगी और हम बनते रहेंगे? सबको पता था कि तुम जिंदा हो। हमें पता था कि हमारा बेटा बेकसूर है। तुमने उसे जानबूझकर फंसाया था। वाओ स्वरा, हैट्स ऑफ। तुम तो सच में मुझसे ज्यादा चालाक हो। हाँ, मैंने झूठ बोला। अपनी मौत का नाटक करके लक्ष्य को जेल भिजवाया मैंने। आखिरकार जीत मेरी हुई क्योंकि लक्ष्य मर गया। जिसकी वजह से मैं जेल गई, जिसकी वजह से मैंने रिमांड होम में क्या कुछ नहीं सहा, वो इस दुनिया में है ही नहीं। और अब तुम चाहे कुछ भी कर लो स्वरा, इसे जिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा हो गया है लक्ष्य। अब चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मैं यहां सिर्फ इसलिए आई ताकि तुम्हें नहीं, ये कैसे हो सकता है? आई एम अलाइव काफी है, जिंदा हूं मैं। अभी तक शॉक में हो? अब तो यकीन हो गया होगा।
मिस तानिया मल्होत्रा, अब रियलाइज हो गया कि लक्ष्य जिंदा है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें खेल खेलना आता है? इस गेम की स्टोरी नहीं पूछोगी? चलो ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, तुम्हारी और काव्या की आइडेंटिटी स्वैपिंग के बारे में बताया, वो भी सबूत के साथ। हाँ तानिया, तानिया तुमने जो अपनी चालाकी दिखा के वो डीवीडी हमें भेजी थी ना, जिसमें तुमने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे, दरअसल वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ध्यान से देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ तानिया, हमें कार्तिक के फोटो स्टूडियो के बारे में तो पहले ही पता था। रागिनी ले, ये देखो कार्तिक का कंप्यूटर, शायद इसमें कुछ मिल जाए। ये ले फ्रिज। ढूंढना जरूर पड़ा, पर उस डीवीडी की असली फुटेज हमें कार्तिक के कंप्यूटर में मिल गई। हमने वो सारे प्रूफ्स, वो डीवीडी इंस्पेक्टर और लॉयर को दिखाई। मैं मरी नहीं हूं, सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रही हूं। तानिया, तुम्हारी उस डीवीडी ने ही हमें आइडिया दिया था कि हम वो फोटो स्टूडियो में जाकर दोबारा चेक करें। And you know what? We were sure कि वहां जाकर हमें ओरिजिनल वीडियो जरूर मिलेगा। लेकिन डीवीडी के बेसिस पर हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसे भी कोर्ट में गलत साबित किया जा सकता था। लक्ष्य और बाकी घर वालों को बचाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय तुम्हें सबके सामने लाने के। इसीलिए हमने कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर क्लोज्ड हियरिंग करवाई, ताकि तुम वहां ना आ सको। और हमारे कहने पर कोर्ट ने कार्तिक को ऑर्डर दिया कि वो हियरिंग में ना आए, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और तुम्हें और कार्तिक को लगे कि लक्ष्य मर गया है, उसका एनकाउंटर हुआ है, इसलिए हमने वो फेक वीडियो बनाया। And you know what, Dad? इन सब में पुलिस हमारे साथ थी।
तानिया मल्होत्रा, लक्ष्य का इनकाउंटर फेक, वो सारे रिपोर्टर्स, वो सारा क्रू फेक था। मिस्टर लक्ष्य महेश्वरी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं स्वराज जी, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ तानिया, तुम्हारी तरह हमारे पास कोई फोटो स्टूडियो नहीं है, पर डीवीडी बनाना हमें भी आता है। जिस तरह तुमने हमारे टीवी में डीवीडी लगा दी थी ना, एग्जैक्टली उसी तरह हमने तुम्हारे टीवी में झूठे न्यूज की डीवीडी लगाई। और जिस न्यूज़पेपर से तुम न्यूज पढ़ के इतनी कॉन्फिडेंटली यहां आई हो, वो न्यूज़पेपर भी नकली है। तुम्हें क्या लगा था तानिया, सिर्फ तुम दोनों भाई बहनों में प्यार है? नहीं तानिया, हर भाई बहनों में प्यार होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। क्या हुआ तानिया, गुस्सा आ रहा है? गुस्सा हमें भी आ रहा है, जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया उसके बाद उन्हें कैसा लगा होगा। स्वरा, तुम्हें डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने में हमें मजा आया? नहीं, ये सब हमें करना पड़ा तुम्हारी वजह से। आफ्टर ऑल, चूहे को बिल से निकालने के लिए चोटी डालनी पड़ती है। स्वरा, यू मेरे परिवार के विश्वास को तोड़ने के लिए। ये परिवार जिसने तुम्हारे माँ बाबा के मरने के बाद तुम्हें पालने की जिम्मेदारी ली थी, ऐसे मत देखो। सब पता है कि कैसे इन सब ने तुम्हें बचाने की कोशिश की। ओह रियली, मुझे बचाने की कोशिश की और इन लोगों ने? तुमने ऐसा क्यों किया तानिया? सालों पहले जो कुछ भी हुआ उस वक्त हमने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी कोशिशों में तुम्हें जेल से निकालने के लिए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। इस बात का हमें हमेशा अफसोस रहा। और प्लीज, अगर आप लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की होती ना, तो मैं पहले उस रिमांड होम में और फिर जेल में नहीं चढ़ती। मुझे अपनी पहचान नहीं बदलनी पड़ती और एक बेगुनाह लड़की का मर्डर नहीं करना पड़ता।